पीली किसान बदलते भारत की शान। दर्शन किसान हमारे लाइफ ऑन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए सोमवार से शुक्रवार कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी के क्षेत्र में मदद मिल सके। आइए आपको बता दें कि हम आज किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे धान फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही जानकारी हासिल करेंगे फूलों की संरक्षित खेती से संबंधित। दोनों विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए और नंबर मिलाइए 1800-113-060 और 1800-113-061। ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। अब आइए आपका परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। धान की फसल की देखभाल के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी। नमस्कार किसान। और इसके साथ ही फूलों की संरक्षित खेती के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर वाई सी गुप्ता जी। डॉक्टर गुप्ता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हिमाचल प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। तो बिल्कुल दोनों ही हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न दोनों विषयों से संबंधित तो बेहिचक आप हमें फोन कर सकते हैं। अगले एक घंटे के दौरान हम इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों ही विषयों के संबंध में आपको तमाम जानकारियां जो है वो मुहैया कराई जाएं और साथ ही साथ आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न है, कोई भी शंका आपके मन में है उनका निवारण किया जाए। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर शिवाधार जी से। डॉक्टर शिवाधार जी, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में धान की जो फसल है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो मानी जाती है, कैसी स्थिति है इसकी खेती की हमारे देश में? देखिए, धान और गेहूं ये दो फसलें ऐसी हैं जो कि हमारे जो हमारी जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो कि इस पर निर्भर है। और हम अगर अपनी डाइट में ही देखें तो ये दो ही फसलें जो है मुख्य फसलें कहलाती हैं जिससे कि हमारे सबसे ज्यादा कैलोरी हमारी भारतीय जनसंख्या को मिलती है। और जहां तक देखा जाए इसका एरिया और प्रोडक्शन दोनों ही काफी अच्छे स्तर पर हैं और जो कि विश्व में जिनका एक विशेष स्थान है जी। तो हमारे यहाँ कई तरीके और इसमें बहुत सारे तरीके की वैरायटीज भी हैं, हमारे यहाँ की वैरायटीज भी बहुत सारी हैं। प्लस ये होता है कि आप देखिए हमारे यहाँ इसकी जो उगाने की स्थितियां वो भी कई तरीके की हैं जी। हम पूरे उत्तर भारत के मैदानों से लेके सारे कोस्टल एरिया और पूरे भारत में हमारे इस फसल का बहुत ही बड़ा योगदान है। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने यहाँ पर जानकारी दी धान के बारे में और इससे संबंधित जो भी बातें हैं इनके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे क्योंकि धान की फसल जो है इस वक्त हमारे किसानों ने ली हुई है, तो कैसे उनकी देखभाल करनी है, कौन कौन से सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कौन सी मुख्य ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, तमाम बातें जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। इस समय खेतों में धान की फसल लगी है। धान में नाइट्रोजन की दूसरी और आखिरी मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में 50 से 55 दिनों के बाद यानी बाली बनने की शुरुआती अवस्था में दे। ज्यादा उपज देने वाली उन्नत किस्मों के लिए 30 किलो और सुगंधित किस्मों के लिए 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। टॉप ड्रेसिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। बालियां और फूल निकलने के समय खेत में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। वहीं समय धान को कीटों और रोगों से भी बचाएं। धान का झोंका यानी ब्लास्ट रोग धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। ये रोग फफूंद से फैलता है, पौधों के सभी हिस्से इस रोग से प्रभावित होते हैं। असिंचित धान में इस रोग का प्रकोप काफी ज्यादा होता है। इस रोग से पत्तियां झुलस कर सूख जाती हैं।
गांठों पर भी भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिनसे पौधों को नुकसान पहुंचता है। वहीं भूरा चित्ती रोग भी धान को नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के होने पर पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। ज्यादा संक्रमण होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं और बालियां पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती है। इस रोग से धान को बचाने के लिए संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल करें। साथ ही बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। रोगों के अलावा इस समय धान को पत्ती लपेटक कीट और तना छेदक कीट से भी बचाने के उपाय करें। धान फसल की देखभाल किस तरह से आपने करनी है, ये जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में, तो आप जो भी प्रश्न इसी विषय से संबंधित पूछना चाहते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, जैसे फूल है और फूल तो दुनिया में हम सभी को जो है वो बहुत पसंद है, काफी लुभाते हैं, लेकिन हमारे देश में यूं तो अभी सर्दियों के समय के अंदर काफी जो है वो फूलों की खेती होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्यावसायिक रूप से अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे अच्छे फूल हैं जिनकी व्यावसायिक खेती करके किसान अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। भारतवर्ष में इस समय गुलाब, कार्नेशन, लिलियम, ग्लैडियोलस, गुलदाउदी, गेंदा इत्यादि फसलें हैं जिनका भारतवर्ष में पैदावार काफी ज्यादा अच्छी है। जहां स्थित हूँ, जहां आजकल मैं नौकरी कर रहा हूँ, यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा एरिया है जहां कार्नेशन पैदा किया जा रहा है। 150,000 स्क्वायर मीटर पे यहाँ कार्नेशन की खेती पॉली हाउस, छोटे छोटे पहाड़ी इलाकों में जैसे टेरेस फार्मिंग होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और पूरे भारतवर्ष को यहाँ से भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ लिलियम की खेती जो कि ठंड इलाकों की होती है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर पैदा हो रही है और पिछले कुछ वर्षों में हमने यहाँ पर 4-5 पुष्पों की भी पॉली हाउस में खेती स्टार्ट की है, जैसे यूस्टोमा है जी, सोफिला है और स्टेटिस है। तो इनका जब भी हम बात करते हैं फूलों की पॉली संरक्षित खेती, तो हम सब लोगों को इसका जानकारी किसान भाइयों को पहले से भी है क्योंकि 7 साल हम फसल लेते हैं और कम एरिया से ज्यादा इनकम लेते हैं क्योंकि इससे लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स पैदा करते हैं, जिससे कि फार्मर की दुगनी आय तो क्या 4 गुना ज्यादा होती है। केवल बीच में किसान भाइयों को जो 1.5 साल निकले हुए कोविड के, इसके कारण से काफी घाटा रहा, लेकिन अब फिर से वो दोबारा से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, और संरक्षित खेती के संबंध में आपसे जरूर जानकारी लेंगे हम यहाँ पर कि किस तरह से फूलों की संरक्षित खेती की जाती है, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन इस समय पूरे विश्व के सामने एक बड़ी समस्या है और इसका असर खेती पर भी पड़ रहा है, लेकिन हमें ऐसे तरीकों को अपनाने की जरूरत है जिससे हम खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हमें खेती में ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना है जिससे फसल उत्पादन पर कोई विपरीत असर ना पड़े, साथ ही पैदावार भी अच्छी हो। ऐसी एक तकनीक है संरक्षित खेती। संरक्षित खेती के तहत कई तरह की संरचनाएं आती है, जैसे हाईटेक पॉली हाउस, प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस, हाईटेक नेट हाउस, ग्रीन हाउस, प्लास्टिक टनल पॉली हाउस, प्लास्टिक लो टनल। संरक्षित खेती के जरिए फसलों की मांग के अनुसार वातावरण को नियंत्रित करते हुए महंगी फसलों के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जहां धूप, छांव, गर्मी और ठंडक का ज्यादा असर ना हो, साथ ही तेज बारिश का असर और तेज हवाओं का प्रकोप भी ना हो। संरक्षित खेती करके फसलों को प्राकृतिक प्रकोपों के साथ ही अन्य कारकों से भी बचाया जा सकता है। आप फूलों की भी संरक्षित खेती कर सकते हैं। आप इस तकनीक के जरिए गुलाब, गुलदाउदी, ऑर्किड्स, फर्न, कार्नेशन, फ्रेशिया, एंथोरियम, ग्लेडियोलस, लीली, रसकस, एल्स्ट्रोनिया, जर्बेरा, बिगोनिया, ट्यूलिप और डेजी की खेती कर सकते हैं। संरक्षित खेती के कई सारे फायदे हैं। इस तकनीक से फूलों की खेती करके पूरे साल पैदावार ली जा सकती है। संरक्षित खेती में फसलों के लिए पानी की जरूरत को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है।
इस तकनीक से अच्छी गुणवत्ता वाली ऐसी फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है जिनकी बाजार में मांग और कीमत दोनों ही ज्यादा हो। तो भी आपने देखी ये खास रिपोर्ट। आइए आपको एक बार फिर से बता दें, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय हैं धान की अगर आप देखभाल करना चाहते हैं तो किस तरह से आप कर सकते हैं, और साथ ही हम बात कर रहे हैं फूलों की संरक्षित खेती के बारे में। दोनों विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं लगातार हमारे टोल फ्री नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिये, जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछे अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें और नेटवर्क क्षेत्र में आकर ही आप हमसे बात करें। हमारे पहले कॉलर मनोज कुमार जी पटना बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर, आई जाते हैं उनका सवाल। हेलो। हाँ हेलो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए जी। हमारे धान के फसल में चौबी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवार का प्रकोप काफी ज्यादा है, ठीक है, उसके बचाव का उपाय बताने का उपाय कीजिए। ठीक जी डॉक्टर शिवाजी। हाँ देखिए मनोज जी, ऐसा है कि धान की फसल में चूंकि बरसात की फसल है, इसमें खरपतवारों का प्रकोप तो होता ही है, और इन खरपतवारों के लिए हमें शुरू से ही सजग रहना पड़ता है। जैसे ही हम धान लगाते हैं उस समय हमें पेंडेमिथालिन एक दवाई आती है, उसके बोने के जो दो तरीके से धान लगाते हैं आपको पता ही होगा कि एक तो हम सीधे बिजाई करके आजकल लगा रहे हैं, उसमें खरपतवारों की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, और एक हम ट्रांसप्लांटेड लगाते हैं जो अपना रोपाई करके लगाते हैं। तो इन में जो पेंडेमिथालिन है जी, वो 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अगर खेत में प्रयोग करें बोने के 48 घंटे के अंदर, तो हम दोनों तरीके के चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले दोनों खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन खड़ी फसल में जब फसल करीब 1 से लगभग 30 दिन की हो जाए, 25 से 30 दिन की, उस समय भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे रसायन है, उन रसायनों को जैसे बिसपाइरिवेट सोडियम एक है, तो इसकी 20 से 25 ग्राम मात्रा को लेकर हम 1 हेक्टेयर में अप्लाई कर सकते हैं, और इससे भी दोनों तरीके के खरपतवारों का नियंत्रण हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि दोनों ही तरीके के खरपतवार बहुत ज्यादा होते हैं जी, तो वहां पर हम ये दोनों तरीके अपनाते हैं। जैसे बोने के 48 घंटे के अंदर हमने पेंडेमिथालिन का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद बिसपाइरिवेट सोडियम को हमने लगभग 25 से 30 दिन के बाद यूज किया। तो इस तरीके से हम लंबे समय तक जो क्रांतिक अवस्था होती है हमारे धान को खरपतवारों से बचाने की, उस समय तक हम खेत को खरपतवारों से बचाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर क्योंकि ये अगर जहां पे ट्रांसप्लांटेड है वहां अगर पानी भरा रहता है तो ज्यादातर खरपतवारों की समस्या नहीं आती है। उसके बाद भी एक मैचेटी है, काफी दिनों से चल रही है, अच्छी दवाई है, उसको भी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेड में, जो कि नर्सरी के बाद जब उनकी रुपाई करके लगाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं, और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी अपनाते हैं जिसे हम समेकित कहते हैं, समेकित खरपतवार प्रबंधन। इसके लिए हमारे किसान भाई पहले से अगर सजग हैं तो खेत को जो डायरेक्ट सीडेड है या मतलब सीधे बिजाई वाले खेतों में हम पहले से पानी लगाकर जो एक पहला वाला फ्लश आता है, जो पहली बार निकलते हैं सारे खरपतवार, उनकी जुताई करके उनको खत्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि गर्मी की जुताई अगर हम अच्छे से करें तो गर्मी की जुताई करने से खेत को खुला रहने देने से भी बहुत सारे खरपतवार खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं, और इन तरीकों को अपनाकर हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं। तो मनोज भाई, आप इस समय चूंकि आपका धान खेत में है, बड़ा हो रहा है, और अगर 30 दिन से ज्यादा का हो चुका है तो कोई भी रसायन प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ आपके पास यही एक उपाय बचा है कि आप उसको बीज से उखाड़ सकें या उसको नष्ट कर दें, जिस तरीके से मैनुअल जो हाथ से निकाल सके उतना निकाल दें, नहीं तो जो रसायनों से हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मनोज जी डॉक्टर शिवाधर ने आपको बहुत ही विस्तार से यहाँ पर जो है वो जानकारी दे दी है, उम्मीद करेंगे जानकारी आपके जरूर काम आएंगी, और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांग लिया।
केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं धान की फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही बात हो रही है फूलों की संरक्षित खेती से संबंधित। दोनों ही विषयों के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं टोल फ्री नंबर्स आप हमारे लिख सकते हैं अपने पास 1800-1130-6061 दोनों ही हमारे नंबर हैं। आप इन पर फोन करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से पा सकते हैं। डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुप्ता। ये रुख करते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, हम बात कर रहे हैं फूलों की संरक्षित खेती के बारे में, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉली हाउस की संरचना जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। जैसे कि जहां जहां भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, मतलब जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उनके अनुसार उनका चयन किया जाता है जी। पहाड़ों में ज्यादातर छोटे पॉली हाउस बनाए जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं होता है, लेकिन पहाड़ों में भी मैदानी क्षेत्र है जहां पर मल्टी स्पैन पॉली हाउस बनाए जाते हैं। ज्यादातर हम जो फील्ड टू लाइन टू लाइन वाले पॉली हाउस बनाते हैं जिसमें कि गोलाकार आकार में उनके टॉप बनाए जाते हैं, और प्राकृतिक पॉली हाउसेस जिसमें कि गर्म हीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती और ठंडा करने की व्यवस्था भी नहीं होती, जो कि एक प्राकृतिक अवस्था में चलते हैं। दूसरा जो मल्टी स्पैन हाईटेक पॉली हाउसेस होते हैं जो ज्यादातर गर्म इलाकों में बनाए जाते हैं, जिनमें हमें काफी पर स्क्वायर मीटर काफी खर्च आना पड़ता है, लेकिन इनकी जो संरचना होती है उसमें किसान भाइयों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टील लगे वो बिल्कुल सॉलिड हो, कहीं से उसमें ब्रेकेज ना हो। साथ में जो भी दरवाजे लगाए जाते हैं वो शट टाइप के लगाए जाते हैं, रॉट आयरन के, नहीं तो टेढ़े से हो जाते हैं। और साथ में साइडों में जो है साइड वेंट रखते हैं जिससे कि हम उसमें हवा का प्रवाह रखे और जिससे ना कीड़े मकोड़े उसमें जाए, इसलिए उसमें एंटी इंसेक्ट लगाई जाती है 60 मैस की। और ऊपर टॉप में भी कई बार गर्मी बढ़ जाती है तो अंदर से हम ग्रीन शेड नेट 50% वाली या 75% वाली लगाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान जब रखते हैं तो हमें जब पॉली हाउस का जब लगाने का चुनाव करते हैं तो उसकी जो साउथ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन जहां धूप आती है और सारी शाम तक धूप रहती है उन जगह लगाना चाहिए, और साथ में जहां पानी की व्यवस्था हो और फूलों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड साथ में हो, क्योंकि जब हम फूलों को बहुत ही दूर तक ले जाएंगे तो आपका खर्च भी बढ़ेगा। इसलिए इन सब सुविधाओं का जब हम ध्यान रखें तभी हम अपने पॉली हाउस का चुनाव करें। और साथ में फसलों का चुनाव भी पॉली हाउस के अनुसार ही होता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि कुछ ऐसी फसलें जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर अच्छी होती है, कार्निस है, लिलियम है, गुलदाउदी है, इनका भी प्लेन में हम जबकि कार्नेशन जो है केवल अक्टूबर में लगाते हैं और फरवरी मार्च में आता है, जबकि पहाड़ों में सारी साल हम दो फसलें ले सकते हैं। तो क्योंकि ये एक इनकी जो फसलों की जो पौध होती है बहुत महंगी होती है, किसान भाइयों को चाहिए कि उनका अपने एरिया के अनुसार चुनाव करें और साथ साथ में पॉली हाउस जो है वो ऊंचे हो जिसमें कि आने जाने जैसे हवा की व्यवस्था हो, बार बार उसके दरवाजे न खोले जाए, साथ के दरवाजों के बाहर जो है पोटेशियम परमैंगनेट का पानी रखा हो जिससे कि अपने पांव डिप करके अंदर जाया जाए और इन्फेक्शन न फैले। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर पंकज जी इस वक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल जाने। हेलो हेलो, उनके साथ हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गई है। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर शिवाधार जी का। डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी, ये बताएं कि इस वक्त धान की स्थिति जो है वो क्या है और किस तरह से किसानों को देखभाल करनी चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाइयों ने जो धान लगा रखा है वो ज्यादातर जो समय से लगाते हैं वो जुलाई के पहले पखवाड़े में ज्यादातर रोपाई कर देते हैं, या जिनको सीधी बिजाई करनी होती है वो भी जुलाई के पहले हफ्ते तक लगभग कर देते हैं।
तो इस समय लगभग जुलाई अगस्त दो महीने हो चुके हैं, लगभग फसल ज्यादातर उनकी 60 दिन के करीब की है। तो एक इस समय सबसे खास बात ध्यान देने की जरूरत यह है कि खेत में सिंचाई का तो व्यवस्था रखनी है, पानी का देखभाल रखनी है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत अच्छी हो रही है तो धान में पानी की कमी मुझे लग रहा नहीं हो पा रही है ज्यादातर इलाकों में। लेकिन दूसरी चीज का ध्यान रखना है कि हमें खाद का भी ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन की 3 डोज देते हैं इस समय, जो तीसरी डोज होती है, एक तो रोपाई के समय देते हैं हम 1/3 नाइट्रोजन की मात्रा, 1/3 देते हैं लगभग 1 महीने पर और 1/3 लगभग 2 महीने के बाद देते हैं। तो मुझे लग रहा है दूसरी जो तीसरी वाली डोज है उसे देने का समय आ गया है, तो उस तीसरी खुराक को इस समय हमारे किसान भाई अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं हमारे किसान भाई कि इस समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी प्रकोप होता है, क्योंकि जब हवा में नमी खूब होती है और पानी भी बरसता है, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि कीड़े मकोड़े बीमारियों के लिए भी अच्छा ये होता है। तो ये देखना चाहिए कि हमारे खेत में कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आ रहा है और उनका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी खेतों में कमी पाई जाती है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, जिसकी कमी ज्यादा देखी गई है, वो है जिंक। और जिंक की कमी से खैरा बीमारी एक होती है, उसका नाम खैरा बीमारी कहलाता है, खैरा डिजीज को, वो जिंक की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है, नीचे की पत्तियां पहले हल्की भूरी होनी शुरू हो जाती हैं किनारों से, और उसके बाद पूरी की पूरी भूरी होकर और पौधा मरने लगता है। तो इससे हमारी जो फसल उत्पादन है वो बहुत घट जाता है जी। तो इसको सही करने के लिए हम पहले से ये ध्यान रखते हैं, जब खेत की बुआई करते हैं उसी समय लगभग 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अप्लाई करते हैं जिंक सल्फेट, और इससे ये समस्या नहीं आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हमारे किसान भाई बोते समय या लगाते समय रुपाई करते समय नहीं डाल पाते हैं, तो उन किसान भाइयों को चाहिए कि जैसे ही इसके लक्षण दिखें आप खेत में जिंक सल्फेट की 5 किलोग्राम मात्रा और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना, इन दोनों को मिलाकर और पानी में घोल बनाकर अगर इसका छिड़काव करें तो इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। अगर बीमारी का प्रकोप ज्यादा है तो आप 1 हफ्ते बाद ये पूरा के पूरा प्रक्रिया दोबारा कर सकते हैं और इस प्रकार आप खैरा डिजीज से भी निजात पा सकते हैं जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से खाद, पानी और देखभाल फसल की मुख्य है, इसका हम ध्यान रखें तो हमारी फसल में निश्चित ही कि अच्छा उत्पादन हमारी फसल दे सकती है। बिल्कुल। और आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं धान की फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही बात हो रही है फूलों की संरक्षित खेती से संबंधित। दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजिए 1800-1130-60 और 6-1, ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है वो हमारे विशेषज्ञ से पूछ रहे हो। अब आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं सूरज जी कानपुर से, और वो सवाल उनका जो है वो पूछना चाहते हैं डॉक्टर गुप्ता से। हेलो 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 सूरज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो, संपर्क एक बार जो है वो फिर से यहाँ पर टूट गया है। आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता जी, जी सर, आपसे अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि हमने जो पॉली हाउस की संरचना है उसके बारे में जान लिया, लेकिन तापमान के बारे में भी जानकारी हासिल करना जो है वो हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर से जो फूलों की संरक्षित खेती करना चाहते हैं। तो पॉली हाउस के अंदर किस तरह का तापमान जो है वो होना चाहिए, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा, एक फूलों की खेती की कामयाबी के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आमतौर पे फूलों की खेती जो है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छी होती है। अगर 15 से नीचे रहती है या 25 से ऊपर जाती है तो फूलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में बहुत ही दुष्परिणाम देखने को आते हैं। अब उनको कैसे किया जाए? एक तो ऐसा होता है कि जब जब उनका सीजन होता है, जैसे मैदानी इलाकों में कार्नेशन लगाते हैं, गुलाब लगाते हैं आजकल, तो जो जब ठंडे वाले टाइम आ जाएगा, जब अक्टूबर के बाद मैदानों में भी टेम्परेचर जो है रात का जो है 10 से 15 के आसपास हो जाएगा,
और दिन का जो है 20 से 25 रहता है। एवरेज टेम्परेचर जो है लगभग 17 के पास रहे तो फूलों के जो रंग है वो बड़े गाढ़े आते हैं, साथ में उनमें बीमारियां नहीं आती। अगर सूखा पड़ जाए, जैसे कि आपने आर्द्रता की बात की है, तो हमारे पास 60% से 75% तक आर्द्रता रहनी चाहिए। इससे ज्यादा हो जाती है तो ग्रे मोल्ड आ जाएगा, या इससे कम होती है तो माइट एक ऐसा इंसेक्ट हो आ जाता है। तो किसान भाइयों को अगर एयर कंडीशन उनको जब भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके साथ कैसे निपटा जाए, तो जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए और आर्द्रता कम हो जाए तो जो अंदर रास्ते होते हैं उसके अंदर पानी का छिड़काव करते हैं। ये केवल प्राकृतिक पॉली हाउसेज के लिए बहुत जरूरी है, और जो हाई टेक पॉली हाउसेज है उसके अंदर पॉली हाउस में आर्द्रता को पैदा करने के लिए कूलर लगाए होते हैं और जिनको हम रात दिन चलाते हैं, जिससे खर्च भी बढ़ता है। इसलिए जो पहाड़ी इलाकों के जो पॉली हाउसेज होते हैं सस्ते होते हैं, किसानों को प्रति स्क्वायर मीटर लाभ भी ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ ये देखा गया है कार्नेशन की एक खेती अगर 500 स्क्वायर मीटर में हम कार्नेशन की खेती कर रहे हैं जी, तो एक साल में शुद्ध लाभ किसानों को 4.5 लाख रुपए मिल रहा है 500 स्क्वायर मीटर से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना लाभ किसानों को मिल रहा है, और साथ साथ में कई परिस्थितियां भी सामाजिक हो जाती है, अगर वो ठीक चलती है तो किसान भाइयों को लाभ ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हम यहाँ पर डॉक्टर गुप्ता किसानों के लाभ के बारे में जरूर जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, तो आपसे ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे फूलों की खेती करके वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ कॉलर मौजूद है भोपाल से फोन लाइन पर, उनका सवाल पहले शामिल करते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गिरजेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, धान की जो मतलब पत्तियां हैं नीचे से थोड़ी थोड़ी लाल मतलब हो रही है, और उसपे मतलब कटे भी बन रहे हैं थोड़े थोड़े। क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं उसके नीचे उनको? हाँ मतलब कट जैसे बन रहे हैं उनके ऊपर, कट जैसे बन रहे हैं और पत्तियां नीचे से लाल हो रही हैं। हाँ जी। और कितने समय से हो रही है ये समस्या? मैम ये हो रही है 7 या 8 दिन हो गए जब से। 7 या 8। अच्छा, देखिए इस पत्तियां सीधे सीधे अगर लाल हो रही हैं तो या तो क्या कोई फंगस डिजीज है इनकी, जो कि एक्सपर्ट सामने देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के सिम्टम जो लक्षण बता रहे हैं ये, वो इसमें क्या कहते हैं इंसेक्ट कीड़ा नहीं हो सकता, जो जैसे कटे कटे जो बता रहे हैं ना, अगर कोई कीड़ा है तो इस टाइम पे ज्यादातर ये देखा गया है कि ब्राउन प्लांट होपर भी आता है, लेकिन उसमें तो सूखना शुरू हुआ था पत्तियों का, क्योंकि वो रस चूसते हैं और जैसे खेत में घुसते हैं तो मच्छर जैसे आपको दिखाई देते हैं। तो ये मुझे लग रहा है इनको, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप निकाल के आप उस पत्तियों को ले जाएं और पास के किसी कृषि विज्ञान केंद्र पे अगर जो एक्सपर्ट हैं उनको अगर दिखाएंगे तब इसका सही से उपचार हो सकता है, क्योंकि बिना देखे इस तरीके की बताना इसका मुश्किल होता है, और उसमें कीड़ा भी अगर है ये भी ये नहीं बता पा रहे कि उसमें अगर कोई कीड़ा है वो कोई कीड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर ये और थोड़ा सा अगर ये बता सकते हैं कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं दिख रहा है तो फिर उसका उपचार बताया जा सकता है। हमारे साथ लेकिन कार्यक्रम अगर देख रहे होंगे तो जिस तरह से आपने यहाँ पर उन्हें बताया है कि निकट के किसी कृषि विज्ञान केंद्र में जो है वो सैंपल ले जा सकते हैं और वहाँ के किसी कृषि विशेषज्ञों को दिखा सकते हैं, तो गिरजेंद्र जी हम उम्मीद करेंगे जो डॉक्टर शिवाधर जी ने आपको जानकारी दी है वो आपके जरूर काम आएगी, और जो समस्या इस वक्त आपके धान में आ रही है उससे आपको जरूर निजात मिलेगी। डॉक्टर शिवाधर जी, अब ये भी बताइए कि धान के खेत में इस वक्त, जैसे हम ये भी जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में इस वक्त झमाझम बरसात भी हो रही है, जी हाँ जी। तो अगर पानी की निकासी का प्रबंध करना है या फिर कितना जो पानी है वो होना चाहिए, और क्या किसानों को इस वक्त सिंचाई रोक देनी चाहिए? इस समय जो बरसात हो रही है तो इस समय तो जो सिंचाई बार बार हमें करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ती, तो एक फायदे की बात है। जहां पे बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है वहां पे भी धान के लिए ये नुकसानदेह नहीं है, और वैसे जहां पे सिंचाई करनी पड़ती है वहां पे 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, तो पानी के कहना चाहिए धान तो
पानी को चाहने वाली फसल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी में ये हो सकता है। और कुछ प्रजातियां ऐसी, हाँ ऐसे कुछ डूब क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी जमा हो जाता है, पता चला 2 मीटर 3 मीटर जमा हो गया, तो उसके लिए अलग अलग प्रजातियां आती हैं। और वो उनमें क्या होता है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है, कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं कि पानी की सतह बढ़ने के साथ साथ उनकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे अगले कॉलर सुखमन सिंह जी इस वक्त अमृतसर से मौजूद है फोन लाइन पर, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। सुखमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, हम सीडलिंग ग्रो करना चाहते हैं फूलों की, तो कब कर सकते हैं? अच्छा, आप उसके बीज वो तैयार करना चाहते हैं, पौध? जी जी, पौध तैयार करना चाहते हैं, कौन सा समय अच्छा रहेगा इसके लिए? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, अमृतसर पंजाब में ये तैयार करना चाहते हैं फूलों की पौध, तो कौन से फूल इनके लिए बेहतर रहेंगे, और अगर आप किस्म में बता देंगे तो इनके लिए जानकारी जो है वो और बढ़ जाएगी। मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि अगर आपने गुलाब की या गुलदाउदी की जो परमानेंट पौधे, उनकी नर्सरी बनानी है, तो उसके लिए आपको एक मिश चैम्बर बनाना पड़ेगा, और जो भी आपकी नर्सरी के जो पौधे होते हैं, गुलाब की जो रूट स्टॉक होते हैं, रोजा इंडिका वार ऑडोरेटा, वो आपको लाना पड़ेगा, जिसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, और उसको सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में हम लगा देते हैं, और जैसे उसमें जड़ें आती हैं उनको उसके ऊपर टी बडिंग से गुलाब की जो भी अच्छी किस्में लगती है, क्योंकि आप नर्सरी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कई तरह से होता है कि एक तो ओपन में लगाए जाने वाले गुलाब, और एक होता है पॉली हाउस में। पॉली हाउस की वैरायटियां डिफरेंट है, जो कि आपके पास मदर प्लांट होने चाहिए, और जो ज्यादातर पेटेंटेड वैरायटी होती है। इसके अलावा आजकल जब मैदानी इलाकों में सर्दियों में लगाए जाने पुष्प, जैसे कैलेंडुला, पेंजी, पिटूनिया, डेजी इत्यादि अभी लगाई जा रही है, उनकी भी जो पौध लगाई जा रही है, तो उसके लिए छोटा सा टनल बना के उसमें अच्छी सी मिट्टी या कोकोपीट डाल के उसको फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करो, 7 भाग पानी और 1 भाग फॉर्मेल्डिहाइड, और उसको 10-12 दिन जो है उसे कवर करके काले रंग के पॉलिथीन से, और उसके बाद उसके अंदर बीज डाल दें, और जैसे बीज जर्मिनेट होता है उसके अंदर आप धीरे धीरे करके जो भी खरपतवार आएंगे उनको निकाल दें, और आमतौर पे जो हाइब्रिड सीडलिंग होती है वो लगभग 8 से 10 रुपए की जाती है, एक बहुत ही मैदानी इलाकों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। और अभी अभी जैसे कि गुलदाउदी की भी फसल जो तैयार होनी थी, जो कि मैदानी इलाकों में लग चुकी है, लेकिन आपको परमानेंट पौधे जैसे हाउस प्लांट है, जो कि घरों में सजावटों के गमलों में लगाए जाते हैं, उसकी भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए तो आपके नजदीक पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पंजाब एग्रीकल्चर। बिल्कुल, उनके साथ डॉक्टर गुप्ता के साथ शायद हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला आगे जरूर बढ़ाएंगे। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, वापस दिखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुवाई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें।
मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं धान फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही बात हो रही है फूलों की संरक्षित खेती की। दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर लगातार जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर शिवाधार जी का। डॉक्टर शिवाधार जी, अब ये बताइए कि जो धान की सीधी बिजाई हमारे किसान करते हैं उसके क्या लाभ है? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमारे किसान भाई सीधी बिजाई न करके पहले नर्सरी में उगाते थे, नर्सरी के बाद वो उसकी रोपाई करते थे। तो एक तो नर्सरी उगाने में उनका पानी चाहिए, उसके बाद रोपाई के लिए जो खेत की तैयारी उसके लिए पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर देखा जाए एक अनुमान के अनुसार ये बताया गया है कि एक किलो धान पैदा करने के लिए, चावल पैदा करने के लिए हमें 3,000 से लेकर 5,000 लीटर तक पानी खर्च करना पड़ता है। इतना पानी अगर खर्च होता रहा तो हमारा जो भूजल है, जहां पर पानी की कमी है वो जगह बहुत ही भूजल नीचे गिरता जा रहा है। पंजाब इसका मुख्य उदाहरण है। पंजाब में धान हो रहा है और सब भूजल, वहां पर भूजल स्तर काफी नीचे गिर गया है। तो एक तो हम उस पानी को बचाने के लिए सीधी बिजाई करने से ये अतिरिक्त पानी जो बेकार हो जाता है उसको हम सीधी बिजाई करके वो कर सकते हैं। दूसरे, समय और श्रम, ये दोनों चीजें ही इससे बचाई जा सकती हैं। हाँ, ये समय और श्रम बचा सकते हैं क्योंकि रोपाई में बहुत सारे श्रमिक लगते हैं तभी ये हो पाती है। और दूसरे, जो नर्सरी लगाने से लेके उसके बीच में जो देखभाल का समय वो कम हो जाता है, तो सीधे सीधे हम बिजाई करके फसल को शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये करने के लिए क्योंकि सीधी बिजाई है तो इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। सीधी बिजाई में पानी की बचत तो होती है लेकिन शुरुआती अवस्था में बहुत ज्यादा खरपतवार होते हैं और उन खरपतवारों से निपटने के लिए हमें उचित तरीके से उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और इसके लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो 48 घंटे तक बोने के हम पेंडेमिकलिन प्रयोग करते हैं 1 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो इससे शुरू में जो संकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार तो होते हैं वो नहीं उग पाते हैं, नहीं पनप पाते हैं। और अगर फिर भी खरपतवार की समस्या रहती है तो हम 30 दिन पे ये बिस्पायरिबिक सोडियम और इसके अलावा और भी मेट सल्फ्यूरॉन और भी कई सारे हैं, पूरी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, जो चाहे जो भी उपलब्ध हो उसे हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पोस्ट इमरजेंस कहते हैं, जो कि खड़ी फसल में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खरपतवारों की समस्या। दूसरी, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है उसमें कभी कभी ये देखा गया कि लौह तत्व की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी से ये खेत में देखने से पता चलता है कि आप देखेंगे कि पैचेस में बीच बीच में आपने जो आपके पौधा है उसकी पत्तियां बिल्कुल सफेद रंग की दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसमें फेरस सल्फेट हम प्रयोग करते हैं बोते समय जी। और एक और बहुत बड़ी समस्या होती है इसमें, यहाँ पर आपसे जरूर जानेंगे समस्या के बारे में। हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पहले जी। हाँ जी, जी हाँ। हेलो, हेलो। हाँ जी, जगत प्रसाद बोल रहे सर, उत्तर प्रदेश से जलौन जिला से। जी जगत जी, अपना सवाल पूछिए। सर, 11 का धान के जी बुवाई की थी, 75 दिन हो गए, बड़े बड़े टांगों वाला कीड़ा लगा था। बड़े बड़े टांगों वाला, टांगों वाला बड़े, ये उसको बदबू तो नहीं आ रही उससे? बड़े बड़े टांगों वाला हरा गंदी कीड़ा जो होता है? नहीं सर, बदबू नहीं आ रही है। अच्छा, देखो इस समय जो गंदी ऐसा है कीड़ा जो ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो पौधों का रस चूसता है, और दूसरा लगता है तना छेदक, तो वो भी बड़ी टांगों में नहीं, वो तो आपको दिखाई, इसकी इल्लियां नुकसान करती हैं। सबसे ज्यादा इल्ली नुकसान करती है, जो सूंडी होती है वो उसके अंदर रहती है।
तो अगर गंदी कीड़ा है और बड़ी टांगों वाला कीड़ा, कोई ऐसा कीड़ा नहीं है जो नुकसान कर रहा हो, जो फसल को खाता हो, सकता वो कीड़े, हो सकता कोई मकड़ी हो, क्योंकि मकड़ी जो आजकल मकड़ियां भी काफी धान के खेत में बढ़ जाती हैं, इनमें से ज्यादातर मकड़ियां हमारे लिए लाभप्रद होती हैं और वो लाभप्रद होती हैं जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको खाती हैं, जिससे कि उनकी संख्या कम हो जाती है और फसल को लाभ ही होता है। तो हो सकता है वो मकड़ी तो नहीं है बड़ी टांग वाला, वो आप देखिए कोई मकड़ी हो, नहीं तो इस समय तीन तरीके के कीड़े ज्यादा पाए जाने की संभावना रहती है। एक तो गंदी कीड़ा होता है जिससे कि काफी स्मेल निकलती है, बदबू आती है, और इसके लिए खेत में लाइट ट्रैप लगाए जाते हैं। आजकल लाइट प्रपंच आते हैं कि लाइट लगा के और एक साथ में बर्तन टाइप का होता है, उसमें जब कीड़े आते हैं और उसमें गिर जाते हैं और मर जाते हैं। और अगर ज्यादा गंदी कीड़ा बढ़ जाता है तो उसमें एसीफेट नाम की एक दवाई होती है, उसकी 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर और हम उसका खेत में छिड़काव कर सकते हैं, तो गंदी कीट मर जाता है। तो इस प्रकार से और भी कई कीट होते हैं जी। लेकिन आपका वो कीड़ा हो सकता है कोई मकड़ी हो, आप जरा ध्यान से देखिए, और अगर मकड़ी है तो उसे मारने की जरूरत नहीं, वो खेत में कोई नुकसान नहीं कर रही है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, आपसे हम यहाँ पर जानकारियां जो है वो हासिल कर रहे हैं फूलों की संरक्षित खेती के बारे में, तो आप ये बताइए कि अगर पॉली हाउस में हमारे किसान जब फूलों की खेती करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मौसम की मार से तो फसल को बचाया जा सकता है, क्या कीटों और रोगों का प्रकोप भी इसके अंदर कम होता है? हाँ, इसमें आमतौर पर देखा गया है कि जब भी हम पॉली हाउस में खेती करते हैं तो उसमें कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन किसान भाई कई बार गलती कर जाते हैं कि साइड से या ऊपर से या किसी भी कॉर्नर से पॉली हाउस फट जाते हैं या एंटी इंसेक्टेड फट जाती है, फिर वही बात हो जाती है जो ओपन में हो जाती है, या बार बार हम जो मेन गेट को खोलते रहते हैं उससे भी कीड़ों का अंदर आना, और एक बार भी एक इंसेक्ट आ गया तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो भी पॉली शीट लगाई है वो फटनी नहीं चाहिए, और साथ में एंटी इंसेक्ट नेट जो कि एक यूवी रेजिस्टेंट हो और जिससे वो बार बार ना फटे, और साथ में बार बार दरवाजा ना खोले, और टू डोर सिस्टम जो पॉली हाउस होते हैं दो दरवाजे होने चाहिए कि पहले मेन गेट खोला उसके बाद एक दो आदमी अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया, उसके बाद फिर दूसरा गेट खोला फिर अंदर पहुंच गए। तो अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो डेफिनेटली कीड़ों का प्रकोप या बीमारियों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब भी हम पॉली हाउस में फूलों को लगाते हैं तो उससे पहले हम मृदा का जो ट्रीटमेंट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से या सोलराइजेशन से या कई अन्य दवाइयां हैं जिससे कि मिट्टी में पाए जाने वाले जितने भी विषाणु हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले एक कंडीशन है कि पहले सॉइल ट्रीटमेंट हो उसके बाद ही फसल लगाई जाए। ठीक है, बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा ही देखते रहे हमारे लाइफ ऑन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनो मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है,
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए सीधा रुख कर लेते हैं डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे किसान भाई जिनके पास अभी पॉली हाउस नहीं है, अगर वो लगवाना चाहते हैं पॉली हाउस, तो सरकार से किस तरह की आर्थिक मदद जो है वो उनको मिल सकती है? क्या कोई अनुदान का इसमें प्रावधान है? जी हाँ, जैसे वो सारी जितनी भी प्रादेशिक सरकारें हैं उनके अनुसार है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 80-85% जो है पॉली हाउस बनाने के लिए या ड्रिप इरिगेशन के लिए इस तरह से दिया जाता है। साथ साथ में भी जो पोस्ट हार्वेस्ट के लिए जैसे रेफ्रिजरेशन का है, अगर आपने कोल्ड स्टोर लगाने हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एपीडा भी उसमें मदद करता है। और ज्यादातर जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो पॉली हाउस है सारे के सारे सब्सिडी पे है और किसान भाई इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। और जो उस एरिया के जितने भी उद्यान विकास अधिकारी है उनसे कंटेक्ट करें और वहां अपना केस जो भी अपनी जमीन के अनुसार उनको अपने कागज दे और उसी टाइम 6 महीने के अंदर अंदर पॉली हाउस लग जाते हैं और उनका जो अनुदान है वो भी उनको मिल जाता है। तो इस तरह से सरकार का प्रयास है कि किसानों को पॉली हाउस की खेती का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ड्रिप इरीगेशन के लिए तो बहुत ही लाभदायक एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसानों को पानी जो है उनके पॉली हाउस में या खेतों में मिलता रहे। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ डॉक्टर गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े और फूलों के संरक्षित खेती के संबंध में इतनी अहम जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर शिवाधार जी का। अब आप ये बताएं सर कि कौन कौन से कीटों और रोगों का प्रकोप जो है वो इस वक्त धान की फसल में? इस समय जो कीट है उस समय तना छेदक है वो काफी तेजी से आता है। इसके अलावा ब्राउन प्लांट होवर भी आता है और बीमारियों में जहां तक है वो बैक्टीरियल ब्लाइट है, झोंका है, झुलसा है, ये सारी बीमारियां आती हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन सब के लिए पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल पे ध्यान दिया जाए और सीड ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि हमें केमिकल का प्रयोग ना करना पड़े और हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे और हमारी फसल भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल। सर आपने यहाँ पर रोगों और कीटों के बारे में जानकारी दी, उनका नियंत्रण जो है वो किस तरह से कर सकते हैं? अगर कोई रोग लग जाता है कहीं धान की फसल में या किसी कीट का प्रकोप हो जाता है तो सबसे पहला कदम जो है वो किसानों को क्या उठाना चाहिए? शुरू में ही सावधानी ये है कि आप सीड ट्रीटमेंट करें। अगर सीड ट्रीटमेंट करें तो उससे बहुत सारे रोग रोके जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर लग जाता है तो पहले बायोलॉजिकल जो जैविक विधियां उनको अपनानी चाहिए कि बहुत सारे उपलब्ध हैं, सीडोमोनास आजकल और ट्राइकोडर्मा वगैरह आ रहे हैं, तो इन सब का छिड़काव करने से इनके वो हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा अगर प्रकोप है तब हमें रसायनों पर आना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर शिवाधार जी, अब आपसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है, कई ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। जी हाँ। क्या ऐसे क्षेत्रों में भी धान की फसल ले सकते हैं किसान? देखिए, ले तो सकते हैं जब पानी की उपलब्धता कम है, कम पानी में भी हो सकता है, लेकिन धान उतनी अच्छी उपज नहीं देता है। और कोशिश करनी चाहिए कि धान को जहां पर कम पानी है वहां पर और फसलों से इसका विविधीकरण किया जाए और उसकी जगह दलहनी या तिलहनी फसलें अगर ली जाएं वो बहुत ज्यादा सही है। आजकल मिलेट जो मोटे अनाज जिन्हें कहते हैं ना, उन अनाजों को भी जो न्यूट्रासिटिकल्स भी आजकल कहा जाता है कि बहुत ज्यादा उनमें न्यूट्रिशन होता है, तो उन वाले अनाजों को इस लेना चाहिए और धान को ऐसी जगह पे जहां पानी कम है नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, अगर आप जानना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न अगर आपका है, आप पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधार मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, धान की फसल की देखभाल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर शिवाधार जी, अब आप ये बताएं कि जैसे अभी तो धान की फसल जो है वो अभी खेतों में लगी हुई है, कुछ समय बाद लेकिन इसकी कटाई भी होगी। जी हाँ जी। तो कटाई उपरांत जैसे कि हर बार देखा जाता है और किसानों को ये जानकारी भी मुहैया कराई जाती है कि
फसल अवशेष को जलाना नहीं है। हाँ। तो उनका प्रबंधन जो है अगर हम अभी हाँ। से जानकारी ये किसानों को देना शुरू कर देंगे तो शायद उस समय तक आके वो समझ जाए उस बातों हाँ। को। तो किस तरह फसल अवशेष, ये बहुत बड़ी समस्या रही है और काफी हमारे चर्चा में रही है। पहला तो ये है, ज्यादातर किसान भाई जल्दी में जो खेत में कटाई करवाना चाहते हैं तो हार्वेस्टर के पीछे आजकल एक अटैचमेंट लगता है जो कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे। वो अटैचमेंट क्या करता है कि पीछे का जो पराली होती है ना उसको छोटा छोटा शेड कर देता है और जमीन पर बिछा देता है। उसके बाद हमारे यहाँ पूसा डिकम्पोजर हमारे संस्थान ने बनाया है, उसका छिड़काव करके खेत में पानी भर के दो तीन जुताई करके हम इसको बहुत जल्दी सड़ा गला सकते हैं, जो कि जलाने के का विकल्प है और हमें अपनी पराली जलानी नहीं पड़ेगी और वातावरण सुरक्षित रहेगा। साथ ही गेहूं की फसल ज्यादा लेट नहीं होगी क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इससे जो सड़ता धान की पराली जो खेत में मिला दी जाती है बहुत जल्दी सड़ जाती है और हम अगली फसल को समय से बो सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कमलेश जी पटना बिहार से, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी कमलेश जी पूछिए सवाल। अपना टीवी ऑन। हाँ, अभी धान का मतलब दो महीना होने जा रहा है, उसमें थोड़ा पत्ता जो है गलती टाइप का लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अगर आप अपने टीवी की आवाज को कमलेश जी बंद कर दें तभी हम आपका प्रश्न सुनाई दे पाएगा, क्योंकि समय की भी कमी है। तो जल्दी से टीवी को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न दोबारा से पूछिए। डेढ़ महीने की फसल हो चुकी है, क्या लग रहा है उसमें, क्या दिक्कत है? दो महीने का फसल हो चुका है, उसमें गलती टाइप का रोग लग रहा है, पत्ता लग रहा है, कीड़ा उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसमें झोंका टाइप का क्या पत्ती के ऊपर आंख के जैसे निशान बने हुए हैं जैसे, हाँ, या सीधा गोला पुआल टाइप का? पुआल टाइप का हो रहा है। जी जी। तो झुलसा टाइप का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी हो सकता है। और हाँ, तो इसके लिए हम एक दवाई आपको बता रहे हैं, इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 9% इसका जो है घोल बनाते हैं और इसको 500 लीटर में मिलाकर छिड़काव करते हैं। अगर इससे पहले अगर कम लगा हो तो एक सीडोमोनास आजकल आता है, सीडोमोनास का कल्चर आता है जो कि बायोलॉजिकल है, जैविक विधि है, उसका हम अगर 2.5 किलोग्राम लेकर और उसको 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर अगर हम छिड़काव करें तो इस बीमारी से काफी कुछ निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर शिवाधार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियां धान की फसल की देखभाल के संबंध में दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने जाना किस तरह से आप धान फसल की देखभाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं फूलों की संरक्षित खेती। अब आपको हम बता दें कि हमारे अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। अब हम बात करेंगे प्याज फसल में समसामयिक कार्यों की और साथ ही बात होगी रबी फसलों में बीज की उपलब्धता की। दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न पहले से पूछना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। और दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113-060 जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है, यहां पर भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर आप हेलो किसान कार्यक्रम को फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम के पहले के प्रसारित कार्यक्रम देख सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम में केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। सरकार की इस योजना से हर किसान बहुत लाभान्वित है और बहुत खुश भी है, और जितना हम लोग काम कर रहे हैं इस पर और फोकस कर रहे हैं, हम छोटे से छोटे और जितने भी किसान हैं उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप बीमा जरूर कराइएगा और उसको अपनी लागत से ही जोड़ें।
बदलती जीवन शैली के बीच प्रजनन प्रणाली की एक गंभीर समस्या। हार्मोन असंतुलन और संतानहीनता के तमाम पहलुओं पर विशेष कार्यक्रम। बांझपन, ताकि सूनी ना रहे कोई गोद। इस शनिवार लाइव शाम 6 से 7 बजे स्वस्थ किसान टोल फ्री नंबर 1800-11-3060 और 1800-11-3061 केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। सफल पशुपालन में पशु आहार की है महत्वपूर्ण भूमिका। यदि हो संतुलित पशु आहार तो पशु रहें स्वस्थ और किसान हो खुशहाल। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन पर पहली बार लाइव, कैसा हो पशुओं का संतुलित आहार। टोल फ्री नंबर 1800-11-3061 केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर इस रविवार शाम 6:30 बजे अपना पशु चिकित्सक लाइव। बदलते भारत की शान।